केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर शनिवार रात को हमला हुआ है। उनके काफिले की कई गाड़ियों पर पथराव किया गया जिससे गाड़ियों के शीशे तक टूट गए हैं। हमला उस वक्त हुआ जब वो मुजफ्फरनगर में एक जनसभा कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर एसपी सिटी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है, लेकिन तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वही गाड़ी है जिस पर हमला किया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि गाड़ी के शीशे कैसे टूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस भारी मात्रा में जो फोर्स है वो वहां पर मौके पर पहुंची। अब उन लोगों की तलाश की जा रही है, उन आरोपियों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने इस पथराव को यहां पर अंजाम दिया जिससे कि उन पर कार्रवाई की जा सके। अलग हटके देखिए, ये जो रास्ता है, ये रास्ते से अगर आप आगे से राइट टर्न लेंगे तो उसके बाद करीबन 500 मीटर पर ही वो कब्रिस्तान है अंसारी परिवार का, जहाँ पर कि उनके दादा परदादा, उनके पिताजी, उनकी माँ, उन तमाम लोगों की वहाँ पर जो है कब्र वहाँ पर है। और हमने देखा कल से वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई दी कि किस तरह से वहाँ पर करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है वो खोदी गई थी और स्थानीय लोग जो है उन्होंने यहाँ पर दुकानें जसपीत सारी बंद कर रखी। कल भी सारी दुकानें बंद थी तो कोशिश की रही कि 10, 10:30 या 11 बजे तक जो है उनका जो शव है और जो उनका जनाजा है वो उस कब्रिस्तान तक ले जाया जाए, कालीबाग जिसका नाम है कब्रिस्तान का, और उसके बाद जो है सुपुर्द खाक की कार्रवाई जो है वो की जाए। बिल्कुल आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो आज ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और उस बीच घर वाले मुख्तार अंसारी के क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे, अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी अजीब नहीं करेगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे, अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी अजीब नहीं करेगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से। आनंद, हम परिवार वालों को भी सुन रहे थे, जो रिश्तेदार हैं मुख्तार अंसारी के, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मर्यादा बनाए रखें, किसी भी तरह से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, ये अपील भी है और ये देखने को भी मिल रहा है ग्राउंड पर। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल कल भी घर के बाहर इसी तरह का नजारा था। जो दुकानदार थे उन्होंने कहा था कि हमारे नेता हैं, रॉबिन हुड हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया जो है मुख्तार अंसारी को लेकर आई थी। वहीं राजनीतिक बयान भी जो है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो आ रहे हैं, चाहे सपा की बात की जाए या दूसरी पार्टियों के, उन्होंने मौत पर सवाल खड़े किए हैं कि एक हत्या है, सुनियोजित साजिश है। लेकिन सरकार भी इस पर न्यायिक जांच करा रही है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम कल ही पूरा हो गया है। जो बिसरा है मुख्तार अंसारी का उसे सुरक्षित रख लिया गया है। तो अब देखना होगा कि जो न्यायिक जांच है उसमें किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जो परिवार है वो लगातार ये मांग कर रहा था कि एम्स के डॉक्टर जो है वो उनका पोस्टमार्टम करें, लेकिन प्रशासन की अपनी दलीलें थी कि परिवार के सामने ही जो है वो पंचनामा किया गया है, उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। और जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी जो है हाईकोर्ट का रुख किया था कि उन्हें जो है अंतरिम राहत मिले ताकि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके सुपुर्द खाक की कार्रवाई में, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की गई है। लेकिन आज जो है वो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि